डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने के लिए मेटामॉर्फोसिस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग भी मेरे चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते वीडियो देख कर लिए, सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं, दबाओ जल्दी फिर मैं शुरू करूं। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ये मेटामॉर्फोसिस बच्चों और दो अलग नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में, तो मैं इस चीज को थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। मेटामॉर्फोसिस, मॉल्टिंग और इकडेसिस तीन अलग अलग नाम है, बट तीनों का मीनिंग एक होता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, मेटामॉर्फोसिस और मॉल्टिंग वर्ड्स को फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है एनिमल किंगडम में और कॉकरोच वाले सेक्शन में यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका सिंपल सा मीनिंग होता है वन ऑफ द, क्या कह सकते हो, वन टाइप ऑफ ग्रोथ फेज। मॉल्टिंग मीन्स या मेटामॉर्फोसिस मीन्स वन टाइप ऑफ ग्रोथ फेज, जिसको बच्चों पर्टिकुलरली देखा जाता है ऑर्थोपोड्स के मेंबर में। तो ऑर्थोपोड्स के मेंबर्स में मेंशंस किया गया है, इसमें जो ग्रोथ होता है वो थ्रू मेटामॉर्फोसिस या मॉल्टिंग के थ्रू होता है। ठीक है, मॉल्टिंग प्रोसेस में बच्चों एक चीज ध्यान रखना, ग्रोथ फेज तो जैसे बोला ही बोला हम लोगों ने, इस ग्रोथ फेज में क्या होता है पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि ये टाइम टू टाइम अपने स्किन कास्ट को क्या करते हैं, ये लोग रिमूव करते रहते हैं। ऑर्थोपोड्स के केस में क्या होता है, काइटिनस जो एक्सोस्केलेटन है वो हटता रहता है, जैसे कि हम श्रिंप के केसेस में देख सकते हैं। ठीक है, और हम देख सकते हैं कॉकरोच के केसेस में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कॉकरोच और श्रिंप इन दोनों में क्या होता है, ये आपका एकदम साफ साफ दिखता है कि अपने काइटिनस एक्सोस्केलेटन को ये रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं ये लोग, अपने काइटिनस एक्सोस्केलेटन को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्थोपोड्स में बच्चों एक और मेंबर है जिसको बोला जाता है स्कॉर्पियन, उसका भी मैंने एक वीडियो ले रखा है, उसको भी आप देख सकते हो, आराम से देख सकते हो कि कैसे वो अपने स्किन कास्ट को धीरे 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 वो बॉडी से अलग करता है, देन फाइनली अलग हो जाता है। मॉल्टिंग जस्ट लाइक बच्चों क्या होता है इसमें कि आपका बॉडी साइज बड़ा हो जाता है, तो काइटिनस जो एक्सोस्केलेटन उसमें किसी तरह का ग्रोथ नहीं हो रहा था, तो वो क्या होता है छोटा पड़ने लगता है, तो उसको ये क्या करता है ऑर्थोपोड्स के मेंबर्स, वो उसको रिमूव करके और अपने अराउंड एक नया काइटिनस एक्सोस्केलेटन फॉर्म करते हैं। ठीक है, सेम चीज जैसे मैंने बोला कि आपके एनिमल किंगडम वाले सेक्शन में भी रेप्टाइल्स में मेंशन किया गया है कि आपका स्नेक एंड लिजर्ड, उनमें भी क्या होता है वो लोग अपने स्किन कास्ट को सेड करते हैं, उस प्रोसेस को भी, मतलब सांप वाले केसेस में, स्नेक के केसेस में भी उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मॉल्टिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने सांप का एक एग्जांपल ले रखा है, तो उसमें भी देख सकते हो, तो अपने क्या कहते हैं वो स्किन कास्ट, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, केचुल, वो क्या करते हैं टाइम टू टाइम रिमूव करते रहते हैं। ठीक है, उसको हटाएंगे फिर उसके ऊपर नया से फिर से उनके ऊपर स्किन जो है वो डेवलप हो जाएगा, जो कि किस चीज का बना होता है, ये एपिडर्मल स्केल्स का बना हुआ होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का पूरा ज्ञान किसके बारे में, मॉल्टिंग के बारे में। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों, आप कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकते हैं, अगर किसी तरह का डाउट रहता है तो बोल सकते हैं। ठीक है, बता सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, जो पुराने सब्सक्राइबर है वो हमारे वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते रहते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सही से रहना, अच्छे से पढ़ाई करना।